श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण चीज बिछिया, पहनने के जरूरी नियम और ऐसे कौन से सावधानियां जो है वह हमें रखनी चाहिए जब हम बिछिया पहनते हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, जब दो व्यक्ति शादी के बंधन में बनते हैं तो उन पर सदैव सूर्य और चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। कई लोग जो है आजकल बिछिया पहनना छोड़ रहे हैं, जिस कारण से जो है उन्हें कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप भी अपनी ग्रह दशाओं को मजबूत करना चाहते हैं तो 3 बिछिया पहनी जाती है, कहीं कहीं पर 2, कहीं पर 1, परंतु धारण आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत होता है। इसके पीछे कहा जाता है, जैसे कि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है, जब चंद्रमा अगर राशि पर मजबूत होता है तो इसे धारण करने से स्त्री के जो मासिक धर्म में रेगुलरता आती है, मतलब कहने का अर्थ है मंथली जो है बराबर तरीके से आती है। साथ ही चांदी एक सुचालक होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी को जो है प्रत्येक महिला से दूर करता है। ऐसे में शरीर जो है तरोताजा बनता है। इसी के साथ ही जो स्त्रियां पैरों में बिछिया धारण करती है उन्हें गर्भ धारण करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही पैरों के अंगूठे के पास जो एक नस होती है वह जो है सीधे गर्भाशय में जुड़ी होती है, जो कि गर्भाशय को नियंत्रण करती है। रक्तचाप इत्यादि जो ब्लड प्रेशर होता है वह भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों से नियंत्रण में आता है। ऐसे में आजकल कामकाजी महिलाएं जो हैं बिछिया को अवॉइड करती हैं फैशन इत्यादि के दौर में। ऐसे में इन चीज़ों का प्रत्येक महिला को ध्यान रखना चाहिए कि एक पैर में ही सही बिछिया चांदी की आवश्यक रूप से धारण करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है नेगेटिव एनर्जी भी काफ़ी दूर रहती है। प्राचीन समय में जो कार्य होते थे, कहने का अर्थ है पर्दा किया जाता था, इनकी छमछम की आवाज़ से घर गूंजता रहता था और इनकी आवाज़ से जो है हमसे बड़े होते थे वह सजग हो जाते थे और नेगेटिव एनर्जी भी इन सकारात्मक जो आवाज़ें होती हैं उनसे दूर होती हैं। साथ ही इससे पति के ग्रह भी मजबूत होते हैं और आर्थिक परेशानियों से सामना नहीं करना पड़ता। जो महिलाएँ यह धारण नहीं करती उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों से प्रभावित होना पड़ता है। ऐसे में सबसे शुभ दिन माना जाता है इसे धारण करने का नहा धोकर सुबह के समय में सोमवार का या शुक्रवार का। हो सकता है अलग अलग धारणाएं हो क्षेत्र के हिसाब से। ऐसे में कभी भी सबसे पहले यह नियम याद कर लीजिए कि पूरी तरह से पैर को नग्न नहीं करना है। कहने का अर्थ है एक पैर में बिछिया रहे तो दूसरे पैर में तब जाके उस पैर में से बिछिया उतारिए। मैं कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे, पूरी तरह से जो है बिछिया को उतारना नहीं चाहिए। पहले पुरानी बिछिया को एक अंगूठे में पहन के रखना चाहिए, तब जाके दूसरे में जो है उसे धारण करके रखना चाहिए। साथ ही अंगूठे में कभी भी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। हो सकता है रिंग वगैरह रक्तचाप इत्यादि को सही करने के लिए पहना जाता है, परंतु वह रिंग दूसरे तरह का होता है, परंतु जो बिछियाओं का जोड़ा होता है कई लोग अनभिज्ञता के कारण और फैशन के दौर में उस बिछिया को जो है अंगूठे में पहन लेते हैं, यह कहीं ना कहीं बहुत अधिक दुष्प्रभाव छोड़ता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण नियम इसमें यह होता है, किसी को अपनी सुहाग की सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण यह माना जाता है, सुहाग, सिंदूर, बिछिया और जो है गले में पहनने वाला मंगलसूत्र 3 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में किसी को भी अपनी पहनी हुई बिछिया कभी ना दें, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही कभी भी जो है जल्दी जल्दी बिछिया को नहीं उतारना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जल्दी जल्दी जो व्यक्ति चूड़ी, बिंदी और बिछिया इत्यादि उतारता है उससे बहुत अधिक जो है दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में बहुत अधिक जल्दी जल्दी जो है फैशन का दौर है, ऐसे में अलग अलग रंगों के हिसाब से जैसे साड़ी बदलते हैं उसी के हिसाब से चूड़ी बिछिया बदल लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय से आपने देखा ही होगा बहुत लोग जो है कई सालों तक उस बिछिया को पहने रहते थे, तो ऐसे में आप नई धारण कर रहे हैं तो पहले पुरानी वाली थोड़े दिनों रहने दीजिए और दूसरी उंगली में उसे पहनने के बाद फिर पुरानी उतारिए। इसके साथ ही दूसरों की दी हुई बिछिया भी एकदम से नहीं पहननी चाहिए, थोड़े दिन उसको अपने पास रखे रहना चाहिए ऐसे माना जाता है, उसके बाद जो है उस बिछिया को पहनना चाहिए। इसके साथ ही सांझ के समय कभी भी श्रृंगार की सामग्री धारण नहीं करनी चाहिए। रात के समय भी जो श्रृंगार की सामग्री है, सांझ होती है, सांझ का अर्थ है जब दिया बत्ती
का समय होता है उस समय भी बिछिया इत्यादि नहीं पहननी चाहिए। और बिछिया इत्यादि धारण कर रहे हैं तो देहली पर बैठकर भी अर्थात चौखट पर बैठकर भी कभी भी बिछिया को नहीं पहनना चाहिए। इस तरह से सोने की अगर आपके पास बिछिया है तो हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है सोना पैरों पर धारण नहीं करना चाहिए। चांदी की या अन्य धातु की सबसे शुभ बताई जाती है। ऐसे में आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, अपने पति की लंबी आयु, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके ग्रहों को मजबूत करना चाहती हैं तो 3, 2 या 1 चांदी की बिछिया आवश्यक रूप से धारण करनी चाहिए। इस तरह से यह आज बिछिया से संबंधित जानकारी आप सभी के लिए मैं लेके आई। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।